आना चाहिए या लुक चेंज हो चुका है, क्या क्या होने वाला है कुछ बता दीजिए। सो लुक चेंज हुआ है बिकॉज ये जो गेटअप है वो सिर्फ सिंह सोदी का गेटअप है, हैशटैग सिर्फ, जो कि है बनता है सिमर आरव से। सो अभी ये गेटअप लिया गया था टू हेल्प सिमर फॉर हर जर्नी इन सिंगिंग करियर। आरव जो है वो प्रोड्यूसर बनता है और समर को हायर करता है, बट आगे जाके कहानी इस मोड पे पहुंच जाती है जो आज हम फिल्म कर रहे हैं कि मुझे पता चलता है कि सिमर की शादी जो है वो समर से फिक्स हो गई है और समर ने मुझे आके ये बताया है। और जब ये जांच पड़ताल मैं करता हूँ इस बात की, तो ये भनक पड़ती है, ये खबर पड़ती है रीमा के द्वारा कि ये जो शादी है ये मेरे मॉम डैड ने रिश्ता ले जाकर तय करवाया था। सो इट इज़ लाइक फ्रॉम बोथ द साइड इट इज़ डेविस्टेटिंग। और अरब ऑफ कोर्स जमीन आसमान एक कर देगा, पर ये होने नहीं देगा। एंड ऐसा क्या हो गया है सिमर के लाइफ में कि आपको अपना लुक चेंज करना पड़ा, प्रोड्यूसर बनना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? सो जस्ट बिकॉज जस्ट यू नो के जो लोग देखते हैं वो जानते होंगे कि सिमर और अरब के उल्टे फेरे हो चुके हैं। अब वो सामने से उसकी मदद कर नहीं सकता, बट वो बेशुमार प्यार है, वो मोहब्बत है, तो असली मोहब्बत वही होती है जो मदद करे और दिखे ना। असली केयर वही होती है जो बिना जताए होती है। सो सिर्फ जो है वो सपना पूरा करना चाहता है सिमर का, क्योंकि सिमर ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, ऑलवेज वांटेड टू बी अ गुड क्लासिकल सिंगर। और वो रिकॉर्ड करने के लिए वो बन जाता है म्यूजिक प्रोड्यूसर। कहीं ना कहीं सिमर भी काफ़ी तड़पते हुए नजर आई है आपके लिए, मंदिर में प्रार्थना कर रही है भगवान की, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वही हाल अभी मतलब सॉरी आपका भी है सिमर के, जरा क्या कहना? ये दिल टूटता है दोनों तरफ से, टूटता है, आग भी जलती है दोनों तरफ से, धुआं उड़ता है। सो सिमर जो है वो ऑफकोर्स कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज उसके दिल में भी प्यार है लेकिन वो बता नहीं सकती, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज उसने अपने माँ से प्रॉमिस कर लिया है कि वो आरव से अभी फिर कभी नहीं मिलेगी। सो आदमी दर्द में और क्या कर सकता है, शी कैन जस्ट प्रे, शी कैन जस्ट होप एवरीथिंग गेट्स ऑल राइट समहाउ। सारे रास्ते दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, फिर भी एक उम्मीद बाकी है। तो फाइनली मिलने जा रहे हैं आरव और सिमर, देवी माँ ने भी सुन लिया है, तो कैसी होगी आप दोनों की मिलन? देवी माँ ने सुन तो लिया है पर मुझे मालूम नहीं मिलन होगी कि नहीं। तो वो मिलन होगी तो ज़रूर, बट वो कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी और क्यों होगी, ये तो आपको 6:30 बजे देखना पड़ेगा। तुम्हारे डैड गजेंद्र ओसवाल ने वही आए थे, तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि इस समय मुझे पापा का विश्वास है, दूसरी तरफ मेरा बच्चा मुझे मार देने के लिए काफी हिम्मत है, मुझे हर अच्छी से बात करनी है, मुझे उन्हें सब कुछ पता रहना है। एक वही है जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती, लेकिन मैं उनसे कैसे मिलूंगी, माता रानी कैसे बात करूंगी? मैंने तुम्हारा को बचा लिया, नहीं चाहिए, बस एक बार अच्छे से बात करनी है।
बच्ची है।